Hi everyone, welcome to my channel Liver Care by Krishna's Kitchen। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है जिसका नाम है दाल सूप। चलो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो दाल सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप मसूर दाल और 1/2 कप मूंग दाल। इसके साथ हमें चाहिए हल्दी और काली मिर्च का पाउडर, नींबू का जूस, गाजर, लाल कद्दू, अदरक का टुकड़ा और एक लहसुन। अगर आपको थोड़ा क्वांटिटी में ही सूप बनाना है तो ये दाल का क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। अब सबसे पहले हम दोनों दाल मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश होने के बाद इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम भिगो के रखेंगे। इसको जितना ज़्यादा आप भिगो के रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसको आप 1 to 2 hours तक भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लास्ट मोमेंट पे ये सूप बनाना है तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसको भिगो के रखना ज़रूरी है, ताकि ये इससे डाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। दाल जितनी ज़्यादा हम लोग उसको सोक करते हैं उतना ही ये डाइजेशन के लिए लाइट हो जाती है। अब ये दाल सूप बनाने के लिए रेडी है। इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसके बाद हम गैस पे एक कुकर चढ़ा देंगे और ये दाल उस कुकर में डाल देते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें हम सारे वेजेस डाल देंगे। वेजेस में आप इसमें टोमाटो भी डाल सकते हैं और लौकी भी डाल सकते हैं। अभी के लिए हम लोग डाल रहे गाजर और लाल कद्दू यानी रेड पम्पकिन, अदरक का टुकड़ा और लहसुन। अब इसमें डाल देंगे मसाले, मतलब सिर्फ हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी डाल रहे हैं, और फिर डाल देंगे 2 glass पानी। तो पानी का कंसिस्टेंसी आप दाल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप दाल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो पानी ज़्यादा डाल दीजिए, अगर कम है तो अकॉर्डिंगली पानी का क्वांटिटी भी कम कर दीजिए। इसमें हम लोग डाल देंगे नमक, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ नमक का इस्तेमाल आपको बहुत केयरफुली करना है, जितना आपको आपके डॉक्टर ने अलाउड किया है उतना ही। अब ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे। नाउ दिस दाल इज़ रेडी। ये अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, और पूरे ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक पैन में। गैस ऑन कर दीजिए। इसका आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने हमेशा से ही बोला है, आपको लीवर सिरोसिस पेशेंट का वाटर इंटेक लिमिट करना होता है, इसलिए वाटर का कंटेंट आप अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करें। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर और इसके साथ लेमन जूस। लेमन जूस से इस सूप को बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है, तो ये ज़रूर ऐड करें। इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख देंगे, और जैसे ये बॉईल होता है तो ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो रेडी है हमारा प्रोटीन रिच दाल सूप। ये लीवर पेशेंट की प्रोटीन की मात्रा को उस दिन के लिए पूरी कर देगा। मसूर दाल और मूंग दाल दोनों भी लीवर सिरोसिस पेशेंट की गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ईट हेल्दी, कीप योर लीवर हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।